आज हम बना रहे हैं तंदूरी चिकन पॉकेट्स। मिनी पॉकेट्स बनाए हमने, बहुत ही टेस्टी और कुरकुरे पॉकेट्स बनकर तैयार हुए हमारे। इसके लिए हमने लिए हैं ब्रेड और चीज स्लाइस लिए हमने। इसके लिए चिकन का कीमा लेंगे। चिकन का कीमा हमारा सिर्फ 200 ग्राम है। कुछ सब्जियां लिए हमने, तीनों तरह की शिमला मिर्च, प्याज, नींबू, इनको बारीक चॉप कर लिया। मसाले में लिए हैं रेगुलर मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, काली मिर्च का पाउडर, जीरे का पाउडर, चाट का मसाला, नमक, ये सब स्वाद के अनुसार लिए हमने। हाफ टेबल स्पून से भी कम दही लेंगे, 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट और मिक्स हर्ब। एक बॉल में हम दही डालेंगे। दही को हमने हल्का सा फेंट लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट सिर्फ 1/2 टेबल स्पून है। सभी मसाले डाल देंगे दही के अंदर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मसाले, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अंदर चिकन डाल देंगे, नींबू डाल देंगे। चिकन को हमने मिक्सी के जार में हल्का सा चला कर लिया है और सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मसाले के साथ चिकन वन सब चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको रख देंगे एक साइड 1/2 से 1 घंटे के लिए। एक कढ़ाई में हमने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है, जो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था, इसको इसके अंदर डाल देंगे। चिकन को चलाते हुए अच्छी तरह भूनेंगे हम। चिकन का कीमा है तो बहुत जल्दी पक जाएगा। इसमें जो पानी रिलीज किया था उसको भी ड्राई कर लेंगे। और जो शिमला मिर्च प्याज है हम इसको डाल देंगे इसके अंदर। शिमला मिर्च प्याज को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इसका क्रंच बरकरार रखेंगे। इसी में डालेंगे मिक्स हर्ब। चिकन और सब्जियां पक चुकी हैं हमारी, तैयार हो गई हैं। हमने लिया है 3 टेबल स्पून मैदा, 3 टेबल स्पून लेंगे कॉर्नफ्लोर। इसमें डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा सा पानी और इसका एक लम्स फ्री बैटर बनाएंगे, गाढ़ा सा भी। गाढ़ा सा बैटर बना लिया हमने। इसमें से हम 2 टेबल स्पून अलग निकाल लेंगे, ताकि जो हम ब्रेड के पॉकेट्स बनाएंगे उसको चिपकाने में काम आएगा हमारे। इसमें हम डालेंगे काली मिर्च और नमक का नमक, इन दोनों चीज़ों को मिलाएंगे। और इसमें और थोड़ा सा पानी डालकर इसका थोड़ा सा और थोड़ा लिक्विड फॉर्म में कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अपनी सभी चीज़ों को। इस तरह बस बना लेंगे। और ब्रेड के हमने साइड से निकाल दिए इसकी एजेस, इनको सभी ब्रेड को हमने इस तरह कट करके रखा हुआ है। एक ब्रेड लेंगे और इसको इस तरह बेलते हुए इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेंगे और थोड़ा पतली भी हो जाएगी हमारी ब्रेड, ताकि इसके पॉकेट्स बनाने में एकदम आसानी हो जाए। सभी ब्रेड को हमने इस तरह करके रख लिया है। ब्रेड को बीच में से कट करेंगे। हमने इसके मिनी पॉकेट्स बनाने हैं। हमने जो कॉर्नफ्लावर मैदा का 2 टेबल स्पून वो बैटर निकाला था गाढ़ा सा, वो इसके चारों तरफ लगा लेंगे। ब्रेड के सब तरफ इसको लगा लेंगे। इसमें रखेंगे चीज स्लाइस छोटा सा, उसके ऊपर जो हमारा चिकन का मिक्स बना हुआ है वो रखेंगे। इसको स्टफिंग रख देंगे इसमें अच्छी तरह से, और एक साइड से उठाएंगे हम ब्रेड को और दूसरी साइड इस तरह चिपका देंगे। उंगलियों की मदद से इसको अच्छी तरह चिपका देंगे, ताकि जो हमने इसके अंदर स्टफिंग भरी है वो बाहर ना निकले। अच्छी तरह दबा दबा कर इसको चिपकाएंगे। बस सभी पॉकेट इस तरह बनाकर रख लेंगे। पहले पॉकेट्स हमने सभी बनाकर रख लिए हैं। और जो हमने कॉर्नफ्लावर और मैदा का लिक्विड बनाकर रखा हुआ था इसमें डीप करेंगे। एक पॉकेट्स उठाएंगे, इस तरह डीप करेंगे। और ब्रेड क्रम लिए हमने, इसमें इनको अच्छी तरह थोड़ा दबा दबा कर ब्रेड क्रम लगाएंगे। और ब्रेड क्रम की कोटिंग के साथ इसी तरह सभी पॉकेट्स हम बना के रख लेंगे। ये हमने सभी पॉकेट्स को ब्रेड क्रम में लगा कर रख लिए हैं।
एक पैन में हमने ऑयल गरम किया है, ऑयल हमारा गरम है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं है, गरम है इस तरह। और बस एक एक पॉकेट उठाएंगे, इसके अंदर डाल देंगे जितने पॉकेट इसमें आ जाए, और ये जो बबल्स बबल्स थोड़े आ रहे हैं ऑयल में, ये कम हो जाएंगे तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे। और एक अच्छा गोल्डन सा कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। हमारे पॉकेट्स फ्राई हो चुके हैं, हम इसके अंदर निकाल लेंगे और सभी को हम इसी तरह बना लेंगे। तैयार है हमारे चिकन तंदूरी पॉकेट्स, बहुत ही टेस्टी और कुरकुरे बनकर तैयार हुए हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करें तंदूरी पॉकेट्स।